कोशिश कर रहे हैं। ओवेस ने यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, वो धीरे धीरे प्लेयर आगे बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे कुछ होगा? ओवेस I don't know what just happened. यहाँ पे पता नहीं कुछ मैसअप हो गया, ओवेस ने खुद पे ही नेट कर लिया तो इवेंचुअली ये मरेगा। लेशिन को भी What was that master move? वो नेट मारा था, वो नेट था फटा। वो नेट मारा था एंड आई थिंक ओवेस पहले नेट करना चाहता था पर वो मूव किया एंड उतने में नेट कुक हो गया तो उसको पहले फेंकना पड़ा। ओवेस को एक जीवन दान मिल पाएगा बट रौनक यहाँ पे फुल पावर गाड़ी लेके अपने भाई को बचाने जा रहे हैं। अगर भाई हो तो कोई ऐसा हो। दो बंदे जा रहे हैं उनपे एंड 69 का ग्रोजा उनपे रश करने की कोशिश करेगा। रौनक हिट्स लेते हुए पर सर्वाइव करते हुए अब यहाँ पे अगर एक नेट आता है तो ये बहुत रिस्की हो सकता है सोल के टीम के लिए। यहाँ पे आई होप कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को श्योरली मतलब कॉन्फिडेंट है इस पर्टिकुलर मूव में क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्केची लग रहा है रौनक को इंस्टेंटली जो वापस रोड क्रॉस करना है। यहाँ मॉर्टल पिक ऑफ हो गया 69 के ग्रोजा से। मैं यही कह रहा था अगर जाना भी था तो एक बंदे को जाना था क्योंकि बहुत ही रिस्की मूव था आप एक बंदे को बचाने के लिए अगर तीन बंदे ने। यहाँ मॉर्टल पिक ऑफ होते पर पीछे से वाइपर का शायद कवर प्रे आया एंड 69 ग्रोजा काफी लो ऑन हेल्थ। अभी कहीं इन पे आके उल्टा ना पड़ जाओ क्योंकि इन लोग एक साइड से पूरे एक्सपोज रहेंगे। एक तरफ से तो प्योरली सेफ रहेंगे पर एक साइड से पूरे एक्सपोज। वहाँ टीम नंबर 16 और उसके बीच पर्पल मुट के बीच में फाइट होते हुए पर्पल मुट सीसी ने कवर इनों को नॉक किया। सोल रौनक टेस ईयर्स को नॉक करते हुए ईएलजी केविंग मार्को को नॉक करते हुए चारों तरफ एक्शन ही एक्शन है। मिटेक ने पीएलएम नवीन को नॉक किया जिसके हिसाब से मेरे हिसाब से बीआरके एलिमिनेट हुए। पर्पल मूड भी शायद एलिमिनेट हो चुकी है। टीक्यू का मिस्टेक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले के साथ ईएलजी के बेजाई को नॉक किया एंड बीटीआर भी मुझे गेम में वापस आते दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और ये सारा एक्शन कंटेनर में हो रहा है और हमारी जो दूसरी टीम है सोल वो फुल पावर एंजॉय करी और वहाँ पे टेस्ट के फायर बॉय की मुश्किल में होंगे। अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को हंट कर सकते हैं कुछ पानी के अंदर वो शूट नहीं कर सकते। अब रौनक अंदर से देख के बता पाएंगे कि कहाँ पर और तुम कहाँ पे शूट कर सकते हो और शायद तुम्हें किल मिल पाए बिकॉज जो पीएलएम के जैस्पर है वो एक गोली दूर है, बस उनकी मौत यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी। बट इस चीज़ से एक कन्फर्म हो जाएगा कि इस गेम के अंदर यहाँ पे सोल की रैंकिंग में काफ़ी फर्क पड़ेगा। 8 टीम्स बची हैं, 21 प्लेयर 23 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और गेम का जो मोमेंटम है बहुत ही शानदार चल रहा है और अब धीरे धीरे किल्स यहाँ पे सोल की तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि उनको सांस लेने जब ऊपर आना पड़ेगा। जैसे ही वो ऊपर आएंगे उनको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में कहाँ पर है। बट यहाँ पे पर्पल मूड एलिमिनेट हो चुकी है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और आप ये देखेंगे ओवेस को यहाँ पे जास्पर की किल मिली है, रौनक ने यहाँ पे टेस्ट के ईयर्स को निकाल दिया। अब हमारे शेयर धीरे धीरे गेम के अंदर वापस आ रहे हैं। सही बात है, 18 लोग बचे हैं, 7 टीम ही बचे हैं। सोल के पास बहुत अच्छा पोजीशन है, वाइपर पिक ऑफ हो चुका है क्योंकि टेस्ट के 3 बंदे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ गेम बदल सकता है क्योंकि एक बहुत ही प्यारा नेड आया टेस्ट की तरफ से। चलो पर ओवेस और वाइपर ने उसको डॉच किया। मॉर्टल को यहाँ पे कवर फायर देना होगा अपने आप को लेफ्ट साइड से सुरक्षित रखते हुए। टेस्ट टीम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बाउंस बैक किया। सडनली रौनक मुझे जोन के बाहर दिख रहा है, पानी में इतना बड़ा डैमेज लेगा। 6 जोन चल रही है गेम में तो रौनक अगर पानी के अंदर नॉक हो जाए तो फिनिश हो जाएगा। आई थिंक वो विद इन द जोन है पर उसको यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। बात करते हैं रिजेस के, तो यहाँ पे टीम्स के बीच फाइट चल रही है। टेस्ट फायर बॉय का बहुत ही प्यारा नेट सोल ओवेस से कनेक्ट होते हुए फिर से यहाँ पे ओवेस नॉकआउट हो गए। बट नेवर माइंड, हमारे पास वाइपर है, वाइपर फिर से उनको रिवाइव करेंगे और ओवेस वहाँ पे आके फिर से आ चुके। बट इतनी देर में टीक्यू मार्को ने ईएलजी के लीडर को इंस्टेंटली नॉकआउट कर गेम से बाहर कर दिया। ये जो मेन फाइट हो रही है ना, सारी अट्रैक्शन कंटेनर पे चल रही है और लोगों को ये नहीं पता कि असली जो जीत है वो यहाँ पे छुपी हुई है और ये एक गोल्डन मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है। नोवा जो अभी 2 चिकन डिनर निकाल चुकी है वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। 5 टीम 14 प्लेयर 25 मिनट होने को आए गेम में, बस अब सब्र का खेल है, सब्र दिखाना है। किल्स कोई नहीं, किल्स आ जाएंगी बट चिकन डिनर बहुत जरूरी है। टीम सोल यहाँ पे अभी मैं मार्क करना चाहूंगा, एकलौती टीम है एआरजी के साथ सॉरी जो 4 मैन के साथ खेल रहे हैं। बाकी टीम्स में 1 बंदे 2 बंदे ऐसे बचे हैं तो यहाँ इनके पास बहुत एडवांटेजेस पोजिशन है। ऑल्दो जोन थोड़ा इनके लिए फेवर में नहीं रहा क्योंकि व्हाइट कैट ने अपने टीम के लिए जोन होल्ड किया। अब सोल को यहाँ पे फाइट लेना होगा व्हाइट कैट से बचते हुए क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से ज्यादा एक्सपोज हुआ तो व्हाइट कैट 2 बंदों को एक साथ ले जा सकता है। यहाँ ईएलजी का ब्रॉन्जो मैक्रो को स्पॉट किया एंड सोल टॉप 4 में आ चुकी है इस गेम में। यस, अब मुझे टॉप 4 से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहां पर अपनी टीम को नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहता हूं बिकॉज अब धीरे धीरे रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे एआरजी के प्लेयर। ओके माय गॉड, यहां पे वाइपर ने फाइबर को पिक ऑफ किया, थोड़ी सी गलती होगी थी, वाइपर ने उनको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाला। क्या यहां पर केकेएस केआर कुछ कर पाएंगे? वहां पे वो स्पॉट तो हो चुके हैं, शायद से जैसे ऊपर उठते हैं वाइपर व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, पीछे होने की कोशिश यहां पर। और यहां मैप के अंदर जोन की जो मार है वो उनको परेशान कर सकती है, जो ड्रॉप जोन के वहां पर जो ड्रॉप गिरा हुआ है वहां पर एक प्लेयर छुपा हुआ है जो व्हाइट कैट है। बट यहां पे ओवेस से व्हाइट कैट को मार दिया है, जब यहां पे पब्लिक के ओवेस को जरूरत थी वहीं पर वहां पे अपनी टीम को सपोर्ट करके दिखाया, गेम के आगे बढ़ाया। 4 टीम ईएलजी के 2 प्लेयर बचे, एआरजी के 2 प्लेयर बचे हैं, एआरजी के 4 प्लेयर बढ़े हैं तो यहां पे सोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है। के ऐसे जब तक कुछ करते मॉर्टल को नॉकआउट किया बट वाइपर ने उनकी गेम के अंदर एंडिंग कर दी है। 3 टीम 10 प्लेयर थग
इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चलो लास्ट सर्कल की बात करते हैं, टीम सोल, एआरजी और ईएलजी। यहां पे टीम सोल के चार बंदे अलाइव है, एआरजी के चार बंदे हैं, एलाइट गेमिंग का एक ही बंदा बचा है जो कि बेज आई है। सोल की टीम पूरी मोटिवेटेड है, एआरजी के बंदे स्प्रेड है, सोल को थोड़ा डिफेंसिवली बट उनके फॉरवर्ड फ्लैंकर्स को एग्रेसिवली खेलना होगा क्योंकि एआरजी के चारों बंदे हमने देखा जब मारना जानते हैं तो लोग बहुत अच्छा मारते हैं, पर सोल को याद रखना होगा। अब लास्ट सर्कल उनके उनके एडवांटेज के लिए, एआरजी का हमने लास्ट सर्कल गेम देखा है इतना उमदा नहीं खेलते जितना सोल खेलते हैं। 4v4v1 की फाइट है, बैलेंस आउट करने की बात है, अपने एग्रेशन और अपने कंपोजर को और अपने पोजीशन को होल्ड करने का। वाइपर मुझे वहां पे राइट फ्लैंक करते हुए दिख रहा है लेटते हुए, ओवेस को नेट कनेक्ट हुआ पर ओवेस ने थोड़ा डैमेज दिया, नॉक ऑफ नहीं हुआ, बहुत ही सही रहा ये। एआरजी का कैंडी रैंडम स्प्रे करते हुए, ओवेस का रिटेलिएटिव फायर, एआरजी सारा से कनेक्ट हुआ, एआरजी सारा नॉक होते हुए अब एआरजी बहुत ही ट्रबल में है। तीन बंदे बचे हैं, ओवेस ने कैंडीज को भी नॉक किया, सोल ओवेस सोल द पब्लिक, एंड यहां बचे एआरजी के दो ही बंदे, एक प्लेनेट एक लैपिस। सोल के चार बंदे, ओवेस को हील करने का मौका देना चाहिए, मेरे हिसाब से वो फुल्ली बूस्टेड होगा। वाइपर ने यहां सारा को फिनिश ऑफ किया, सोल के झोली में है किल्स एंड 6 किल के साथ सामने बचे हैं उनके 4 ओपोनेंट। ये बेस्ट टाइम है सोल के लिए चिकन डिनर पिक ऑफ करने का। एआरजी लैपिस प्लेनेट और ईएलजी के बंदे बैंडेज यहां लगा रहे हैं ओवेस क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं अभी वो टीम के लिए सबसे आगे एडवांस पोजीशन में। रौनक ने यहां कैंडिस को फिनिश किया, टीम के लिए 7 किल आते हुए टीम सोल यहां चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए, एंड यहां पे एक नेड आया जो मुझे लग रहा है काफी टीम सोल के करीब गिरा है। यस, वाइपर के बहुत ही करीब था, वाइपर यहां पे 50% हेल्थ में आ गए हैं, उनको अब खुद को रिवाइव करना होगा। लैपिस धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ते हुए, यहाँ मेरे हिसाब से लैपिस स्पॉट होगा क्योंकि वहां पे ग्रास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और थक दाद दूंगा इस जज्बे की जो आपकी यहाँ पे बोल रही है बात। ओवेस के पास यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं है तो यहाँ पे बैंडेज से काम चला रहे, बट वाइपर ने लैपिस को पिक ऑफ कर लिया है। एआरजी है जो यहाँ पर कंटेंडर है चिकन डिनर की, बट वहां पर एक एक करके उनको हंड डाउन कर रहे हैं, एक एक प्लेयर बचा है, 3-6 प्लेयर है, 4 सोल है एक एक, और अब वो टाइम आ चुका है यहाँ बर्लिन के अंदर झंडा गड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सो यहाँ पे ईएलजी के बेइज्जती ने सोल को सोल के लिए काम और आसान करते हुए 4 बंदे बचे, वाइपर फॉरवर्ड आते हुए सोल ओवेस के रैंडम से बेजाई, ओवेस के बहुत ही आप एंड टीम सोल ओवेस बोल्ड द पब्लिक, और इसी के साथ टीम सोल जो इंडिया से गई है बर्लिन में, यहां पर दूसरे दिन के अंदर आखिरी रैंगल में दिखा दिया कि कौन है वो अल्टीमेट टीम जो अभी भी कुछ भी करके दिखा सकती है। चिकन डिनर मांग रहे थे, चिकन डिनर यहां पर सर्व कर दिया हमारी ऑडियंस ने, एंड यस मिस्टर रौनक ओवेस वाइपर मॉर्टल एवरीवन जस्ट मूविंग कि यहां पर अंडर एस्टिमेट करा, पीछे से आएंगे और पहली फुर्सत में सबको निकाल देंगे। बिल्कुल सही कहा यहां आपने, एंड टीम सोल का फाइनली चिकन डिनर गेम नंबर 10 में पूरे पॉइंट्स टेबल को बदल देगा, जर्मनी में जाके झंडा गाड़ा, इंडिया में झंडा गाड़ा, एंड फाइनली जितने भी लोग सोल को अंडर एस्टिमेट करते थे मेरी दिल की धड़कन बोलती थी कि ये 4 लौंडे इंडिया का हमेशा नाम आगे रखेंगे। गेम में मजा आ चुका है, गेम के डे 2 के लास्ट डे में हाई नोट में एंड करेंगे टीम सोल चिकन डिनर के साथ। मैंने